हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हम हरियाणा सरकार को जब से कोरोना महामारी आई है लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारे किसी भी पत्र का कोई पॉजिटिव जवाब आज तक नहीं दिया है, ना अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया है। और इसमें जो कोरोना महामारी है इसमें फ्रंट लाइन वर्कर आशा वर्कर है, हर किस्म का सर्वे जो बिल्कुल सामुदायिक स्तर से है वो आशा वर्कर दे रही है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे गर्भवती हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे संक्रमित पीड़ित लोग हों, चाहे बाहर ड्यूटी करने वाले हों, हर किस्म की रिपोर्टिंग जो है आशा वर्कर कर रही है। और यहाँ तक कि सरकार ने, हमने प्रोटेस्ट किया तब सरकार ने हमें सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए, वो भी पूरे सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाए, वो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है। हम सरकार से बार बार मांग करते रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाए, हमें भत्ता दिया जाए, रिस्क अनाउंस कम से कम सरकार हमें दे, क्योंकि आशा वर्कर्स जो हैं केवल मानदेय पे काम करने वाली वर्कर हैं, और इस महामारी में जो उनके मानदेय के कार्य थे वो प्रभावित हुए हैं, आशाओं को आर्थिक नुकसान हुए हैं, और सरकार ने इसके एवज में केवल 1,000 रुपये आशा को देने की घोषणा की है, जो कि नाकाफी है। सबसे फ्रंट लाइन वर्कर, हमेशा संक्रमित लोगों के बीच में रहने वाली, और उनको ना कोई भत्ता, ना कोई सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, अनेकों जगहों पर मामले सामने आए हैं, आशा वर्कर विभाग द्वारा भी प्रताड़ित की जा रही है रिपोर्टों के लिए, और समुदाय में भी जो लोग हैं महामारी से डरे हुए हैं वो भी अनेकों प्रकार से आशा को क्या रहेगी आपकी आगे मांगे। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा की गारंटी सरकार ले, और हमें रिस्क अनाउंस दे, संक्रमित आशाओं के लिए अलग से आइसोलेशन कैंप बनाए, उनके टेस्ट करवाए, और जो आशा संक्रमित होती है उनके परिवार की सुरक्षा सरकार की, सरकार जिम्मेदारी ले इसकी, उनको इसके लिए कोई कंपनसेशन दे। और जो सरकार ने हमारी 50% की फाइल, हमारी एक फाइल चली हुई थी उस पर सरकार ने रोक लगा दी है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी फाइल को तुरंत सरकार जो है पास करे और हमारे 50% को लागू करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आने वाली 12 जून को प्रदेश भर में आधा दिन काम का बहिष्कार करके आशा वर्कर्स जो आंदोलन करेंगी, और अगर सरकार तब भी संज्ञान नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में किसी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो जिस तरह से आप क्या आगे रणनीति बना रहे हो आगे जाके आपने? हाँ, आगे की रणनीति सरकार 12 को हम एक दिन का जो है सांकेतिक धरना करेंगे, आधे दिन का काम का बहिष्कार करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस महामारी में हम कोई प्रोटेस्ट करें, लेकिन सरकार ने हमें बिल्कुल मजबूर कर दिया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और हम स्वास्थ्य मंत्री से, हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जो है इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इनकी मांगों का समाधान करें।